ड्रॉपशिपिंग में वेबसाइट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इस वीडियो में आप लोगों ने जो जो टाइप के ड्रॉपशिपिंग स्टोर्स बनाए हैं वो हम बैठ के रिव्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड। तो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी ये पूछते हुए कि आप लोगों ने जो जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाए हैं आप उनका लिंक सेंड कीजिए एंड आई विल मेक ए वीडियो अबाउट इट कि उस वेबसाइट में या उस स्टोर में क्या क्या कमियां हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने पे उस वेबसाइट में और अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो वी हैव ए लिस्ट ऑफ वेबसाइट। मैं ज़्यादा एक वीडियो में रिव्यू नहीं कर सकता बट आपको वो जिस्ट समझ लेना है कि ये सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जितने भी वेबसाइट रिव्यू करेंगे हम कोशिश करेंगे उन वेबसाइट में देखने का कि उन्होंने कस्टम डोमेन खरीद रखा है या नहीं, कस्टम लोगो है या नहीं ब्रांडिंग के लिए, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उनका प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज है या नहीं। प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइज होना कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पेज पे जाएगा ना कि होम पेज पे। तो होम पेज अगर आपने ज़्यादा डिजाइनिंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखा है दैट्स टोटली फाइन, बट आपका प्रोडक्ट पेज अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट पेज में कौन कौन सी एंगेजिंग एलिमेंट्स होने चाहिए? पहला, ट्रस्ट बैजेस होना एक मस्ट है, जहाँ पे सारे पेमेंट्स गेटवे लिखे हों कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं, COD भी एक्सेप्ट करते हैं, 7 days मनी बैक गारंटी, ऑल दोज ट्रस्ट बैजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको रिव्यूज मिल जाते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड दैट्स रियली ग्रेट। एंड आपको प्रोफेशनल फोटोज यूज करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो स्टॉक इमेजेस आपको आपका सप्लायर दे रहा है आप वही अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं, नहीं। ऑलवेज रिकमेंडेशंस आर कि आप वो प्रोडक्ट घर पे मंगाएं, अच्छे से प्रॉपर फोटोशूट करें, देन अपने वेबसाइट पे डालें। इट्स नॉट ईजी कि आप एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स ब्रांड को स्केल कर सकते हैं वही स्टॉक इमेजेस यूज करके जो पूरी दुनिया यूज कर रही है ऑलरेडी। सेम इमेजेस aren't going to work anymore. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी दिखती है तभी काम करेगी। तो आपका प्रोडक्ट पेज मोबाइल ऑप्टिमाइज होना मस्ट है। एंड में हमें ये देखना पड़ता है कि आपका चेकआउट प्रोसेस कितना स्मूथ है, आपके पेमेंट इनेबल्स है भी या नहीं। चेकआउट पेज पे पेमेंट्स इनेबल होना भी जरूरी है। मोस्ट ऑफ द पीपल फॉरगेट टू इनेबल COD। COD इनेबल करना बहुत ईजी होता है, आप सेटिंग्स में जाके आराम से कर सकते हैं। सो ये हमारी पहली वेबसाइट है, इन्होंने कस्टम डोमेन परचेज कर रखा है, दैट्स गुड। इन्होंने एक लोगो भी क्रिएट कर लिया, आई एम श्योर कैनवा से किया होगा, बट दैट्स फाइन। एंड ये फ्री थीम है जितना मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे मेहनत की जा सकती थी। दिस इज़ नॉट द रियली इम्प्रेसिव वेबसाइट विच आई हैव सीन ऑन द फ्री थीम। यहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड करके मेहनत की जा सकती थी। जैसा मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हेडिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हेडिंग इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं व्यू फुल डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ देन दिस इज़ द प्रोडक्ट पेज जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हमेशा आपका मेजर फोकस होना चाहिए। प्रोडक्ट पेज पे इतना बड़ा हेडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। एक रिव्यू का आइकन है, दैट्स फाइन। प्रोडक्ट प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये भी सही है, बट यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वाला काम नहीं हो पा रहा है। यू सी, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप ऑफ वेबसाइट लग रही है। एंड अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, अगर जिफ एलिमेंट्स होते जो अट्रैक्टिव दिखते, यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे हम ट्रस्ट बैजेस डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल टॉप में कोई भी PNG इमेज ट्रस्ट बैजेस का यहाँ पे डाला जा सकता है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन, जैसा मैं बता रहा था इन्होंने जेनरिक फोटोग्राफ्स ही यूज़ किए जो हमारा सप्लायर प्रोवाइड करता है, एंड ऑल दी फोटोग्राफ्स आर ऑफ द सेम मॉडल, दैट्स फाइन। बट इन सबको मंगा के अच्छे से प्रॉपर शूट करने में ज़्यादा कन्वर्जन बढ़ सकते हैं। एंड अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है यहाँ पे रिव्यूज़ इम्पोर्टेड हैं, दैट्स फाइन, बट द होल कलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द वेबसाइट इज नॉट गिविंग द बेस्ट वाइब। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, मैं एज ए थर्ड पर्सन इस वेबसाइट पे लैंड करूँगा, मैं इस वेबसाइट से कभी टी शर्ट नहीं खरीदूंगा। क्यों? मेरे पास अमेजोन है, मिंत्रा है, मेरे पास फ्लिपकार्ट है, इतने सारे ऑप्शन है, देन मैं यहाँ से क्यों खरीदूँ? यहाँ पे ना तो वेबसाइट एलिगेंट है ना ब्रांडेड दिख रही है। This doesn't stand out if you try to understand the point. मैं अगर इस पर buy now पर क्लिक करता हूँ then there is no payment option as well. And ये checkout page को भी अच्छे से optimize नहीं किया गया। यहाँ पर logo आता है, यहाँ पर custom colors लगा सकते हैं हर page पर। So there is a lot of room for improvement for this particular store. So I hope you get the point कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी आपकी वेबसाइट में। सो दिस वॉज द नंबर वन स्टोर विच वी हैड इन आवर लिस्ट। सो दिस इज द सेकंड वेबसाइट इन आवर लिस्ट, एंड एज यू कैन सी इन्होंने होम पेज पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है, एंड दैट्स रियली ग्रेट। क्योंकि देख के ही लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली एक नीश के लिए ही ये पर्टिकुलर स्टोर बनाया, एंड दैट इज़ ओनली फॉर अपेरल्स एंड क्लोथिंग फॉर लेडीज, दैट्स रियली ग्रेट। अब डिपेंड करता है कि इनका प्रोडक्ट पेज कितना ऑप्टिमाइज है। अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, लेट्स से दिस वन, ओके ये प्रोडक्ट ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे इस पे रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिख रहा है। रिव्यूज़ अगर हम डालते हैं इस वेबसाइट पे देन ये कुछ ज़्यादा क्लस्टर्ड हो जाता, क्योंकि रिव्यू के साथ कुछ ज़्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। एंड आई ऑनेस्टली फील कि रिव्यू के बिना भी ये वेबसाइट कुछ ज़्यादा ही एलिगेंट वाइब दे रहा है, तो दिस इज़ गुड।
दैट्स वन थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि यहाँ पर ट्रस्ट बैजेस लगाया जा सकता था, दैट्स वन थिंग विच आई विल से, एंड कुछ कुछ इमेजेस इस साइड में भी लगाए जा सकते थे, बट ऑल द इमेजेस आर ऑन द लेफ्ट साइड, दैट्स फाइन। अगर मैं मोबाइल वर्जन देखता हूँ देन सबसे टॉप पे हमारा स्लाइडर आता है, दैट्स रियली ग्रेट। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ देन प्रोडक्ट इमेजेस साइज एंड फिर यहाँ पे स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन, विच इज़ रियली ग्रेट आपने इसको ऐड किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है ना, यूज़र कभी कभी भूल जाता है कि ऊपर जाके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, सो हैविंग ए स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन रियली हेल्प्स यू इन द कन्वर्जन। तो ये हो गया, अगर मैं इसको बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ देन आपका प्रोडक्ट पेज या कार्ट पेज किस हिसाब से ऑप्टिमाइज है, आपने यहाँ पे लोगो डाला है दैट्स ग्रेट, बट आपने ब्रांडिंग के कलर्स यहाँ पे नहीं डाले, दीज आर द डिफॉल्ट कलर्स ऑफ शॉपिफाई विच आई कैन से। आपको बटन के कलर्स भी सेट करने चाहिए एंड ये सारे लिंक्स हैं, इन सारे लिंक्स को ये वाले पिंक कलर में सेट करने चाहिए जो आपके ब्रांडिंग के साथ जाएगा, दैट विल रियली हेल्प यू आउट टू स्टैंड आउट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपको रेजर पे मिल गया, अगर मिल गया दैट्स रियली ग्रेट फॉर यू, एंड नहीं मिला है देन COD ऑप्शन भी सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकता है। सो इफ आई हैव टू गिव दिस वेबसाइट आउट ऑफ 10, आई विल से दिस इज ए सॉलिड 7, या बिकॉज देयर इज स्टिल सम रूम ऑफ इंप्रूवमेंट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वेबसाइट, हे होल्ड ऑन, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड स्टोर जहां पे मैं वो रिव्यू करूं, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे DM करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। There are a lot of options, मैंने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, मैंने बहुत सारी जगह पे बता भी रखा है, बट स्टिल a lot of people get confused in that segment as well। आपको प्रोडक्ट रिसर्च में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आई यूजुअली रिकमेंड मीडिया, आपने मेरे पिछले वाली वीडियोस में भी देखा होगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली आके साइन अप कर सकते हैं। मैं लॉग इन करता हूँ, मीडिया साइन इन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है जहाँ पे आप स्क्रोल करके देख सकते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट एक्चुअली में मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ पे तो खाली टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, बट इफ यू जस्ट लुक एट दिस सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक, टॉप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन टॉप 100 टॉप 100 विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक, टॉप 100 ई कॉमर्स स्टोर्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपको टिकटॉक के भी एड्स दिख जाएंगे कि लोग किस टाइप के एड्स टिकटॉक पे चला रहे हैं, एंड दैट्स एक्चुअली ग्रेट, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में बैन है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी चीज अच्छी परफॉर्म कर रही है। सो वंस आई क्लिक ऑन टिकटॉक देन यू कैन सी किस किस टाइप के एड्स चल रहे हैं टिकटॉक पे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप देख सकते हैं कि उन पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने शेयर आ रहे हैं, एंड कितने महीनों से वो एड्स चल रहे हैं, राइट। अगर मैं और स्क्रोल करके देखता हूँ देन यहाँ पे कोई एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हो सकता है जिसके ऊपर मिलियन में व्यूज गए, जैसे ये देख सकते हैं 12 दिन में 4.2 मिलियन, विच इज़ ए बिग डील। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अपना गंदा सा फेस साइड हटा के, देन यू कैन सी दिस इज़ ए वेजिटेबल स्ट्रेनर, ये एक वेजिटेबल स्ट्रेनर ही है जिसमें से बस वेजिटेबल नीचे रह जाता है, पानी नीचे निकल जाता है, सुपर सिंपल, इंडिया में भी मिलता है ये, बट अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में परफॉर्म कर रहा है देन यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। आप देख सकते हैं इनकी टारगेटेड ऑडियंस इजिप्ट है, टारगेटेड एज ग्रुप क्या है, कितने दिनों से एड चल रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप इनकी वेबसाइट भी खोल के देख सकते हैं। इज इन दैट ग्रेट, एंड बाई एनी चांस आप बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स पे स्पाई कर रहे हैं, आपके पास कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर का लिंक है एंड आपको ये नहीं मालूम कि वो कितने एड्स रन कर रहे हैं, आप स्पेसिफिकली उस स्टोर का लिंक ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, then you will get to know कि वो स्टोर कितने ads रन कर रहा है, किस टाइप के क्रिएटिव रन कर रहा है, and all about it, that's the beauty of this particular spy tool. Definitely there are a lot of free ways to get your research done, but अगर आपको organized way में सब कुछ एक ही platform पे मिल रहा है, then and on top of that, if you are really interested in getting Minya's premium plan, हमारे पास 50% off का coupon code है, isn't that great? अगर आप directly जाके purchase करते हैं, आपको full price pay करना पड़ेगा, किसको पसंद है full price pay करना? सो आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड और लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली साइन अप करेंगे, यू विल गेट 50% ऑफ। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो दिस इज द थर्ड वेबसाइट, इन्होंने लोगो बनाया, दैट्स फाइन, बट मेरा हमेशा यही बिलीव है या मेरा हमेशा यही मानना है, अगर हम लोगो बना रहे देन लोगो हैज टू बी रेक्टेंगुलर ताकि वो वाइडली स्प्रेड हो जाए, अगर हमें उसे सेंटर में भी रखना होता तो भी वो अच्छे से स्प्रेड होता, एंड इतना एरिया ही लेता हेडर सिर्फ, हेडर जितना मोटा होता है उतना भद्दा दिखता है, सो दैट्स वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम बिलीविंग कि आपका ब्रांड कलर पर्पल है, एंड जैसा मैं आपका स्टोर स्क्रॉल करके देख रहा हूँ आपने मल्टीपल नीश स्टोर बनाया, ठीक है दैट्स नॉट एन इश्यू, बट होम पेज ऑर्गेनाइज नहीं है, आप होम पेज के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पेज खोल के देखता हूँ, जैसे लेट्स से दिस प्रोडक्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट पे ऐड नहीं चला रहे हैं देन दिस जीरो रिव्यू इज टोटली फाइन, अगर आप ऐड चला रहे हैं देन ट्राई टू नॉट हैव जीरो रिव्यूज हियर, क्योंकि वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, दैट्स वन थिंग।
ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एडिंग दिस रियली मेक ए बिग डिफरेंस. एंड जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अपने कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म यहीं पे सेटअप कर दिया. दैट्स रियली ग्रेट. ये आपको कन्वर्जन में हेल्प दे सकता है. जैसे ही मैं क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इट विल पॉप अप मी ए डिस्काउंट. वो फर्स्ट टाइम ही आता है आई गेस. आपको उसको सेट करना पड़ता है कि जब जब वो बार बार अगर वो, तो मैंने उसको वापस रीलोड करके देखा, देन इट गिव्स मी द डिस्काउंट. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जो आपका ब्रांड कलर है उसी ब्रांड कलर में इन सारे कलर्स को डाल दीजिए. दैट विल बी फाइन. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ आई स्क्रोल डाउन, आपने जिफ ऐड कर रखा है, दैट्स रियली ग्रेट. एंड इफ़ आई स्क्रोल डाउन, ऑल द एलिमेंट्स विच नीडेड टू बी देयर इन द ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट पेज आर देयर ऑलरेडी. आपने जिफ ऐड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से डाल रखा है, एवरीथिंग इज फाइन. अगर आप इस पे ऐड रन कर रहे हैं, देन ऐड रिव्यू, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. यानी जो जेनरिक ट्रस्ट बैजेस आपने डाल रखे हैं, इसके रिप्लेसमेंट में आपको कैनवा पे प्रोफेशनल ट्रस्ट बैजेस क्रिएट करके यहाँ पे डाल देना चाहिए. डिस्क्रिप्शन के एंड में भी डाल देंगे, दैट विल वर्क. अगर मैं इसको मोबाइल में देखता हूँ, देन ये लोगो सेंटर अलाइन होने पे ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसलिए मैं बोल रहा था रेक्टेंगुलर लोगो होना सही है. अगर रेक्टेंगुलर लोगो होता, देन वो स्प्रेड हो जाता इतने एरिया में और वो ज़्यादा अच्छा लगता. ठीक है. अगर मैं इसको स्क्रोल करता हूँ, देर इज़ नो स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे एक स्टिकी ऐड टू कार्ट बटन होना ज़रूरी है. जैसा कि मैंने पहले बताया, वो कन्वर्जन में आपको लेटर डाउन द लाइन हेल्प करेगा. सो ओवरऑल, अगर इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट को मुझे रेट करना होगा, देन मैं बोलूँगा ये बेसिक है, ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है. ये जेनरिक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, आपने इसको ज़्यादा ब्रांडेड बनाने की कोशिश नहीं की. सो उस हिसाब से आई विल जस्ट गिव 5 out of 10. तो दिस इज द फोर्थ वेबसाइट. आई बिलीव कि इस वेबसाइट पे येलो आंखों पे चुभ रहा है. जस्ट लेट मी नो कि ये सिर्फ मेरी आंखों पे चुभ रहा है या आपकी आंखों पे भी चुभ रहा है. एंड येलो ब्लू का कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है. एज अ डिजाइनर प्रोस्पेक्ट, येलो ब्लू का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो यू हैव टू वर्क अराउंड विथ योर लोगो एंड ट्राई टू रीब्रांड समथिंग. मैं ये मान रहा हूँ कि आपका भी मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर है, दैट्स फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, जैसे ये मिक्सर, तो ये मुझे यहाँ पे कैटलॉग पेज में ले जाता है. देन मुझे कोई एक प्रोडक्ट क्लिक करना है. आई एम नॉट श्योर आप सारे प्रोडक्ट्स पे ऐड रन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. बट आपको जेनरिक इमेज यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज आप अगर ये सारे इमेजेस फेसबुक एड्स पे भी यूज़ कर रहे हैं, देन फेसबुक एड्स का मेटा डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा, वो देख लेता है कि कितने सारे लोग सेम इमेज पे ऐड चला रहे हैं या नहीं. सो यू हैव टू बी यूनिक व्हेन यू आर यूजिंग द एड्स. आइदर आप मंगा के ऐसे प्रोफेशनल फोटोज़ ले सकते हैं, गार्डन होम किचन में रख के एस्थेटिक फोटोज़ ले सकते हैं, कोई भी कैमरा से हो सकता है, फ़ोन से भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई पर्सनली बिलीव येलो कलर सही में स्टैंड आउट नहीं कर रहा है. आपको कोई और कलर की ब्रांडिंग के साथ जाना चाहिए. अगर इस पूरी वेबसाइट पे सिर्फ किचन रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी, आई कैन सी स्टिल द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो ब्लू इज नॉट गोइंग विद द ब्रांड. अगर आपको पूरा एक जेनरिक मल्टीपल्स प्रोडक्ट स्टोर बनाना है, देन देर इज अ गुड एग्जाम्पल, bigmall.in. आपने वेबसाइट देखी होगी या नहीं, आपको ऐड आते हैं या नहीं, उन्होंने किस हिसाब से प्रोफेशनली सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में रखा है. एंड दैट इज अ रियली बिग ड्रॉप शिपिंग ब्रांड. मैं आपको दिखा सकता हूँ, सी मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा था, ये भी मल्टीपल प्रोडक्ट स्टोर है. इन लोगों ने कितने प्रोफेशनली ये वेबसाइट बनाई है. यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ रील स्क्रोल किया जा सकता है. अब तो इनके पास बजट है, इन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर, वो बात अलग है. बट स्टार्टिंग में इतनी प्रोफेशनल भी ज़रूरत नहीं है. पर आपको आइडिया लग गया ना कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसको ऑर्गेनाइज वे में पुट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर देन कि ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है. एंड सेम थिंग यहाँ पे, आपको कस्टम ट्रस्ट बैजेस यूज़ करने चाहिए. आप कैनवा से बना सकते हैं या गूगल से भी ले सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मोबाइल में कैसा दिखता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अगर इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ, मोबाइल में ये हेडिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन. मैं इसको और स्क्रोल करता हूँ, दीज फॉन्ट्स आर रियली नॉट गोइंग. ये कुछ ज़्यादा ही बड़े फॉन्ट है मोबाइल के हिसाब से. आपको पैराग्राफ एंड हेडिंग के फॉन्ट स्मॉल करने चाहिए. एंड इफ आई स्क्रोल डाउन, देन रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्चुअली में रिलेटेड नहीं है जो ऊपर में प्रोडक्ट दिख रहा है. सो यू हैव टू मैच द रिलेटेड प्रोडक्ट. अगर ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, नीचे में गाजर काटने वाला नहीं होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए. एंड एट दी एंड आपने रिव्यू नहीं डाला. सो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन ब्रांडिंग. आपको इसको अच्छे से प्रोफेशनली ब्रांड करना पड़ेगा और हायर समबडी एज ए प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर, वो आपको अच्छे से एक वेबसाइट बना के दे देगा. सो एट द एंड, इफ आई हैव टू रेट दिस वेबसाइट, देन आई विल से इट विल बी ए big 3. आई नो आई एम डिसअपॉइंटिंग ए लॉट ऑफ पीपल, बट मैं क्या करूँ. ऐसे मुझे रोज इंस्टाग्राम पे DM आते हैं कि भैया आप मेरी वेबसाइट चेक कर लो, भैया आप मेरी वेबसाइट चेक कर लो. एंड ट्रस्ट मी, 80% ऑफ द टाइम पीपल ब्रिंग दिस काइंड ऑफ वेबसाइट. आई एम नॉट हेटिंग एनीवन. मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में वेबसाइट सब लोग नहीं बना सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग हार्ड है, एंड हायरिंग ए प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइनर इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. बट द ओनली थिंग विच यू हैव राइट नाउ इज टाइम. इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्न स्किल एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट.
क्योंकि आप इस बात को समझ के देखिए कि अगर आप अपने पैसे लगा रहे हैं एड्स में, एंड एड्स में पैसे लगाने के बाद आपको कन्वर्जन, सेल्स या कुछ भी नहीं आ रहा, प्रॉफिट भी जनरेट नहीं हो रहा, देन इवेंचुअली यू विल ब्लेम योरसेल्फ कि कहाँ गलती रहेगी। गलती स्टार्टिंग में ही थी, गलती आपके वेबसाइट में ही थी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई गेस दिस विल बी द लास्ट वेबसाइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आई बिलीव ये वन प्रोडक्ट स्टोर है जिसपे आप दिवाली के लाइट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? अगर मैं इस पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, इट ब्रिंग्स मी टू द प्रोडक्ट पेज। तो अगर किसी को होम पेज से ही खरीदना है तो वो डायरेक्ट चेकआउट पे नहीं जा रहा। यू सी, इफ इट इज जस्ट ए वन प्रोडक्ट स्टोर, देन इस प्रोडक्ट पेज को ही आप अपना होम पेज बना लीजिए, देन आपको दो दो पेज डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? एंड ये फॉन्ट कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, हमें इतने बड़े फॉन्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जीरो रिव्यूज लिखा हुआ है, विच गिव्स ए वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द कस्टमर। आपको ये रिमूव कर देना चाहिए, अगर रिमूव हो पाता है तो सही है, नहीं तो आपको कहीं से रिव्यूज इंपोर्ट कर लेने चाहिए। तो ये बटन के अंदर जो टेक्स्ट है, दीज आर नॉट विजिबल, आप इनको वाइट कर लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? अब जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये सारी इमेजेस उतनी हाई क्वालिटी के नहीं है, आपको हाई क्वालिटी इमेजेस ही यूज़ करनी चाहिए, या फिर आपको ये प्रोडक्ट जल्दी से घर मंगा लेना चाहिए दिवाली से पहले, ताकि आप इसका अच्छे से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करके जिफ भी ऐड कर सकते हैं। ओके, इफ आई स्क्रॉल डाउन, डिस्क्रिप्शन सब है, बस यहाँ पे ट्रस्ट बैजेस की कमी है, आपको ट्रस्ट बैजेस ऐड कर देने चाहिए, देन रिव्यू भी ऐड कर देना चाहिए, एंड जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो आपको हाइड कर देने चाहिए, बिकॉज दैट टोटली डजेंट मैच विथ योर करेंट प्रोडक्ट। क्योंकि ऊपर दिवाली की लाइटिंग है, नीचे जिम के आइटम बिक रहे हैं, नो दैट डजेंट गो लाइक दैट, आपको इनको हाइड कर देना चाहिए, या अगर आप इन पे ऐड चला रहे हैं देन इनके नीचे वो दिवाली की लाइट्स नहीं आनी चाहिए। इनके अंदर रिव्यूज है, दैट्स फाइन, बट इसके नीचे ये सारी चीज़ें। सो इफ इट इज़ ए मल्टी प्रोडक्ट्स, सो दैट्स फाइन, बट आपको उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो एट दी एंड वेबसाइट इज इम्पॉर्टेंट, एंड नाउ आई गेस यू अंडरस्टैंड वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, वाई दे आर नॉट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेप एट ड्रॉप शिपिंग ही गलत है। उन लोगों ने वेबसाइट पे ही टाइम स्पेंड नहीं किया, उन लोगों ने कोई रैंडम यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, लेट्स स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, इतने से इतना बना सकते हैं, इतने से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, एंड नॉर्मल सी कोई वेबसाइट बना के एड्स रन कर दिया। You are just burning your money. आराम से वेबसाइट बनाने में हफ्ता लो, 10 दिन लो, 15 दिन लो, टेक योर टाइम, बट योर वेबसाइट हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेबल, योर वेबसाइट हैज़ टू लुक प्रोफेशनल। अगर वो अच्छा दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? कॉन्सेप्ट सिंपल है, राइट? तो आई होप यू रियली गेट द पॉइंट कि किस टाइप की वेबसाइट आपको बनानी चाहिए एंड किस टाइप की वेबसाइट आपको नहीं बनानी चाहिए। दैट वाज द होल वीडियो अबाउट इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग थम्स अप। और अगर आपके पास कोई और आइडिया है कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज मेरे हिसाब से अगली वीडियो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग चैलेंज की, क्योंकि बहुत कम लोग कर रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं एंड मुझे पैसे जलाना बहुत पसंद है, पता नहीं मैं क्यों जला रहा हूँ, बट या स्टिल मुझे सेव करने चाहिए पैसे। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। चीयर्स।